वाराणसी को गंदा करना अब स्थानीय लोगों को इतना आसान नहीं होगा। सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका फैसला वाराणसी नगर निगम ने किया है और एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। देखिए, ये एनजीटी के विभिन्न आदेश हैं और उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली भी प्रख्यापित हो गई है, तो उसमें विभिन्न आदेशों में ये नियमावली में ये है कि जो लोग खुले में कूड़ा फैलाते हैं जिससे जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उसी के अंतर्गत हम ये जुर्माना लगाएंगे। साथ ही साथ खुले में प्लास्टिक फैलाने वाला, जो सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह ऐसे करते हैं लोग फैलाते हैं, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्लास्टिक का जो जुर्माना लगता है वो उसके वेट के हिसाब से, कितनी प्लास्टिक वो फैला रहे हैं उसके हिसाब से, और खुले में जुर्माना भी क्वांटिटी के हिसाब से रहता है। तो ये 5,000 से 1,00,000 तक का है। रिपीट वायलेटर्स को भी जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान है, उसमें हम लगाएंगे इसको। आप कंप्लेन एक व्हाट्सएप नंबर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का मोलिडिस को प्रकाशित कर चुके हैं, हमारी वेबसाइट पर भी है। साथ ही साथ एक सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर भी है जिसमें आप कॉल करके बता सकते हैं 1533, और किसी को व्हाट्सएप करना हो तो व्हाट्सएप नंबर आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, नगर स्वास्थ्य करिए आपको अवगत करा देंगे, आप उसके माध्यम से उस पर शिकायत कर सकते हैं। देखिए, बिल्स हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमने बढ़ा दिए हैं, बनारस शहर के लिए भी और नए क्षेत्रों के लिए भी बढ़ा दिए हैं, तो हमारे पास बिल्स आ गए हैं। अब अगला प्लान है हमारा कैमरे के माध्यम से उसका एनफोर्समेंट कराना। कुछ हम घाटों वगैरह पे और बिल्स बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो जैसे ही हमको उसकी अनुमति मिलती है हम उसको भी करेंगे। शहर को स्वच्छ रखने के लिए वाराणसी नगर निगम के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत वाराणसी के घाटों से की जाएगी। घाटों के अलावा शहर की गलियों और सड़कों पर भी ये निगरानी की जाएगी कि कहीं कूड़ा न दिखाई दे। इस पूरी कवायद के जरिए वाराणसी नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता है।